पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची एंजेलिना जोली। बाढ़ से बिगड़े हालात को क्यों बताया दुनिया के लिए खतरा। बाढ़ पीड़ितों के लिए की क्या मांग। ये भयावह हालात भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, जहां कुदरत ने ऐसा सितम ढाया है कि दूर तलक जहां भी नजर जाती है केवल तबाही का मंजर नजर आता है। अस्पताल में तड़पती हुई गर्भवती महिलाएं दिखती हैं, हालातों से लाचार वो पिता दिखते हैं जो अपने बच्चों को दो वक्त का खाना मुहैया नहीं करा पा रहे। कभी अपने घरों में रहने वाले आज या तो राहत शिविरों में पड़े हैं या फिर पानी के बीच टापू बन चुके जमीन के टुकड़ों पर टेंट लगाकर गुजारा करने को विवश हैं। कभी खुद कमाकर खाने वाले आज सरकार द्वारा भेजे जा रहे भोजन पर आश्रित। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली पाक में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची और वहां लोगों से बातचीत करके हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और अधिक मदद देने के लिए प्रोत्साहित करने को वो पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। उनके ख्याल से ये पर्यावरण बदलाव को लेकर पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। पर्यावरण बदलाव न केवल असलियत है बल्कि इसके परिणाम भी सामने हैं। आपको बता दें कि एंजेलिना जोली शरणार्थियों के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर की प्रतिनिधि हैं। उन्होंने दक्षिण सिंध प्रांत का दौरा किया। ये बाढ़ से सबसे बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में से एक है। बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा खतरे में वो बच्चे हैं जो या तो अभी छोटे हैं या फिर नौनिहाल हैं, क्योंकि एक तरफ तो बाढ़ के गंदे पानी से पनपने वाली बीमारियों जैसे कि डायरिया और मलेरिया उन्हें अपनी चपेट में ले रही हैं, तो वहीं पानी से निकलने वाले जीव जंतु भी खतरा बनकर लोगों के आसपास मंडरा रहे हैं। अब तक बाढ़ के चलते पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा डूब चुका है, जो कि ब्रिटेन के बराबर भूभाग है। अगर बात ताज़ा सरकारी आंकड़ों की करें तो अभी तक बाढ़ से 1600 लोग मारे जा चुके हैं, करीब 7 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और कई बिना मच्छरों से सुरक्षा देने वाले अस्थायी टेंट में रह रहे हैं। इन लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। सुनिए कि इन पूरे हालातों पर वहाँ के आम नागरिकों का क्या कहना है। बारिश और पानी मना पानी फेर गया, हम लोग बहुत परेशान हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। मेरा हस्बैंड फिर गया कश्ती लेके आया, कश्ती में हम दोनों गए हॉस्पिटल में। हम गरीब थे, पोसेवन हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर वरी मुझे मेरी डिलीवरी हुई थी। सैलाब मां हितां वॾी तबाही थी वई असांखे, वरी अलाह अलाह रसूल करे जिते बि सैलाब आहे मां जी तबाही थी वञे जिते किथे, पर वधि में वधि असीं ग़रीब मनुष्य जा मला आहियूं। असांखे ख़ुदा जेको खाइण लाइ का शइ कोन हूंदी आहे, एॾो असां बर्बाद थी आया आहियूं। हाणे अलाह करे त ख़तमु थी वञे, रब रसूल करे त सभु को पंहिंजे वतन ते वापसि। एंजेलिना जोली ने कहा, मैं लोगों से बात कर रही थी और सोच रही थी कि अगर पर्याप्त मदद न पहुंची तो ये लोग अगले कुछ हफ्तों तक काम नहीं चला पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान में बाढ़ के दूसरे संकट की भी चेतावनी दी, जो डेंगू मलेरिया कालरा और डायरिया के तौर पर आएगा। साथ ही कुपोषण की समस्या भी बढ़ सकती है। अस्पतालों में दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ऐसे हालातों को काबू करना डॉक्टरों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है, जिससे वो दिन रात जूझ रहे हैं। सुनिए कि वहाँ के डॉक्टर। हाल बारिशों की वजह से हमारे यहाँ दादू डिस्ट्रिक्ट में गेस्ट्रो में, डायरिया में और मलेरिया में काफ़ी केस ज़्यादा हुए हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा डायरिया के केसेस डेली हम इधर एडमिट करते हैं और तकरीबन 5 से 10 ये मलेरिया के केसेस भी हम रोज़ाना दाखिल करते हैं। जो ये पानी जमा होने की वजह से मलेरिया हुआ है और पानी जमा होने की वजह से ये सफाई ना हुए उसमें डायरिया में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इन बढ़ रही बीमारियों पर क्या कह रहे हैं? ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फन इंडिया हिंदी।